हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटर.कॉम। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के सम को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, पैरेलल में यदि रेसिस्टेंस लगे होते हैं तो नेट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, नेट करंट कैसे फाइंड करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में नेट करंट कैसे फाइंड करेंगे, इस वीडियो में आपसे ये बात करूंगा। तो देखिए, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। सो सबसे फर्स्ट, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो दिस वी इज इक्वल टू आई इनटू आर एंड दिस आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इट मींस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यदि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट वहां पे कम होगा और रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेसिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, रेसिस्टेंस इन सीरीज सर्किट सपोज R1, R2, R3, this is the positive charge, this is the negative charge, current is flowing through here, it goes like this, and this is V1, this is V2, this is V3. So now net voltage is equal to, in series circuit, करेंट इज सेम एवरीवेयर बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट सो द वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। This V equal to I into R is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. So I into R equal to I is common. R1 plus R2 plus R3. This I and I got cancelled. So this R equal to R1 plus R2 plus R3. Net resistance in series. What about the net resistance in parallel? Look at here. R1, R2, V, positive, negative, I1, I2, total current flowing from here I. So this I is equal to I1 plus I2. Parallel circuit में voltage same होंगे, इसका मतलब जितना voltage across R1 होगा उतना ही voltage across R2 होगा। So this V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2. So V upon R is equal to V common, 1 upon R1 plus 1 upon R2. This V we got cancelled, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the parallel circuit. Now, based on this concept, हम कुछ क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। कैसे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में, देखिए बहुत ही इजी पूछता है। सबसे पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगा, जो पैरेलल सर्किट में दो रेसिस्टेंस लगे होते हैं उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सपोज ये हमारा 3 ओम है, ये हमारा 6 ओम है और आपसे क्वेश्चन दे दे ये हमारा 10 वोल्ट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड नेट रेसिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड नेट करंट। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। सो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा, यहां से करंट जाएगा
और ये करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई वन और आई टू। सो दिस आई इज बिकम आई वन प्लस आई टू। नाउ दिस आई वन प्लस आई टू, पहले नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, तो ये 3 ओम और 6 ओम क्या है, पैरेलल में है। सो दिस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। दिस आर इक्विवेलेंट 3 and 6 है, 3 into 6 डिवाइड बाय 3 plus 6। दिस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 18/9, आंसर इज 2 ओम। सेकेंड पूछा है मुझे फाइंड नेट करेंट, सो आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट। दिस वी नेट इज वॉट, 10 वोल्ट, आर नेट इज 2, दिस बिकम 5 एम्पियर। थर्ड इज आई वन एंड आई टू, सो व्हेन आई वांट टू फाइंड द आई वन, बहुत ही इजी से टेक्निक है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डिवीजन टेक्निक। जो यहां से I1 में 3 ओम जा रहा है, यहां पे 3 ओम है और यहां पे 6 ओम है, जिस जो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगा, जिसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है उसमें करंट कम होगा। यदि I1 फाइंड करना है, देखिए क्या लिखूंगा, I नेट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस। सपोज मुझे 3 ओम में फाइंड करना है, आपको क्या करना है, आपको लिख देना है आई ऑफ 3 ओम इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है हमारा 5, सो आई नेट इज 5। 3 का अपोजिट क्या है 6, आप यहां पे 6 लिखिए, टोटल रेसिस्टेंस 6 plus 3 9, 3 2 6, 3 3 9, सो 10/3 एम्पियर। सपोज आपको आई ऑफ 6 ओम निकालना है, अगेन सेम फॉर्मूला, आई नेट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, आई ऑफ 6 ओम के लिए क्या करेंगे हम लोग, आई नेट कितना है हमारे पास 5 एम्पियर, इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस कितना है 3, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस 3 3 9, दिस बिकम 5/3 एम्पियर। सो आई ऑफ 3 ओम इज 10/3 एम्पियर, आई ऑफ 6 ओम इज 5/3 एम्पियर। नाउ नेट करंट फाइंड कर लिए, करंट थ्रू इच रेसिस्टेंस फाइंड कर लिए। ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा जो शॉर्टकट टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस शॉर्टकट को कहीं पे भी लगाइए, 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस का आंसर लेके आ जाएंगे। देखिए हम दूसरा क्वेश्चंस करने के लिए यहां पे ट्राई करते हैं कितना इजी है। सपोज आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, जो ये हमारा कोई एमीटर लगा हुआ है, इस यहां से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हो और ये एक 15 ओम है दूसरा 10 ओम है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड करंट थ्रू 15 ओम सेकेंड, फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टेंस। जब ये क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, टर्म 1 अभी आ रहा है, 10 तारीख को आपका एग्जाम है फिजिक्स का, आप कैसे इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे, जो टेक्निक है उसको बोलते हैं हम लोग करंट डिवीजन टेक्निक।
करंट डिवीजन टेक्निक। इस करंट डिवीजन टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पूछा है पाइन करंट थ्रू 15 ओम, तो आपको लिख देना है आई ऑफ 15 ओम। जैसे ही आप आई ऑफ 15 ओम लिखे, उसके बाद आप लिख दीजिए यहां पे टोटल करंट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो आई ऑफ 15 का निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल करंट हमारे पास 10 ओम है, अपोजिट रेसिस्टेंस हमारा 10 है, डिवाइड बाय 15 प्लस 10 25 है, 5 टू जा 10 5 5 जा 5 टू जा 10 सो 2 इंटू 2 4 ओम 4 एम्पियर। सेम ईयर आई ऑफ 10 ओम, टोटल करंट इज अगेन 10, अपोजिट रेसिस्टेंस इज 15, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस 15 प्लस 10 25, 5 3 जा 5 5 जा 30 अपॉन 5, फाइव सिक्स जा, क्या देख रहे हैं, जो 10 ओम का रेसिस्टेंस था उसमें जा रहा है 6 एम्पियर, जो 15 ओम का है उसमें जा रहा है 4 एम्पियर। तो करंट क्या हो रहा है, इन्वर्सली डिवाइड कर रहा है, जहां पे रेसिस्टेंस कम है वहां पे करंट ज्यादा जा रहा है, और जहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम जा रहा है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड करंट डिविजन टेक्निक्स। यदि ये 2 से 3 भी हो तब भी आप कैसे सॉल्व करेंगे सम, देखिए बहुत इजी है। यदि इसी सम में मैं ऐसे बना दिया, ये 15 है और ये 10 है, मैं एक और 10 ओम लगा दूं, और मैं अब पूछ रहा हूं आपसे कि ये I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप करना है, लास्ट का जो 2 रेसिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाइए। सो 10 ओम इज पैरेलल विद 10 ओम, आंसर इज आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस 10 एंड 10 इज बिकम 5 ओम। सर्किट डायग्राम बनाना है, ये सर्किट डायग्राम इस तरह से बना दीजिए, यहां पे मेरा 10 एम्पियर और इसके साथ ये 15 ओम, इसके साथ ये 5 ओम, सो दिस इज 15 ओम, दिस इज 5 ओम। नाउ इसमें और इसमें दोनों में करंट जाएगा, सो ये हमारा I1 है और मैं ये I2 और I3 का कॉम्बिनेशन को मैं I4 बोल दिया, बेसिकली दिस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब मुझे इन दोनों में तो मैं लगा सकता हूं इजीली, जो मेथड हमारा करंट डिवीजन टेक्निक है हमेशा 2 पैरेलल रेजिस्टेंस में लगाएंगे, तो आई ऑफ 15 ओम में क्या लगाऊं, नेट करंट आई, सो आई नेट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, सो दिस आई नेट इज हाउ मच, 10 एम्पियर, अपोजिट रेसिस्टेंस इज 5, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस 15 प्लस 5 20, 5 4 जा 2 2 जा 2 5 जा इस 2.5 एम्पियर। 2.5 हमारा जा रहा है 15 ओम में, तो इस 5 ओम में कितना जाएगा, आई ऑफ 5 ओम इज बिकम अगेन आई नेट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, सो दिस टोटल रेसिस्टेंस आई नेट इज अगेन 10, अपोजिट रेसिस्टेंस इज 15 डिवाइड बाय 20, सो दैट इज 7.5 एम्पियर। ऑब्वियसली इसमें यदि हमारा 2.5 जाएगा तो इसमें कितना जाएगा, 7.5। लेकिन ये जो 5 ओम है ये किसका कॉम्बिनेशन है, 10 और 10 का कॉम्बिनेशन है, सो दिस 5 ओम आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। यहां से 7.5 ओम एम्पियर करंट जाएगा, और ये 5 ओम कैसे आया यहां पे, 10 और 10,
सो दो टेन टेन का हम बना देंगे। अब बताइए दोनों ही क्या है, इक्वल रेसिस्टेंस है और 7.5 है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 7.5 का हाफ 3.75 यहां पे, 3.75 यहां पे, दोनों जगह 3.75 करंट जाएगा। सो दिस आई ऑफ 10 ओम, और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 7 नेट करंट 7.5 इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 20, सो दिस इज 3.75, अगेन आई ऑफ 10 ओम, अगेन कैन राइट 7.5 इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3.75 एम्पीयर। आपके पास तीन सर्किट लगा हो, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो, चार लगा हो, पांच लगा हो, हमेशा क्या करना है, एक शुरू वाले रेजिस्टेंस को छोड़ना है और सबका इक्विवेलेंट लगा के यहां पे लाना है, फिर उसमें दो में लगाना है, फिर जब दो में लग गया तो फिर उसके बाद एक्सपेंड करते रहिए और आप सब में लगा सकते हैं। सो ये मेथड बहुत ही इजी है, ना तो इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज कर रहे हैं, ना तो किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करते हैं, सिर्फ करंट डिवाइड कैसे हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ, ये मेथड के साथ आप सारे सम्स को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको करंट दिखे, रेजिस्टेंस दिखे और फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।